Hey guys, what's up? So, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और सिंपल रेसिपी आई हूँ। और अभी आपको पता ही है कि दशहरा आ रहा है, इसके लिए आपको स्वीट बनानी पड़ती है। तो गाइस, अभी बाहर से खरीदना थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए मैं होममेड रेसिपी बता रहा हूँ आपको। और उस रेसिपी का नाम है नारियल की बर्फी। जी हाँ गाइस, नारियल की बर्फी मैं आज आपको बताऊँगा। उसके लिए तो ऑफकोर्स आपको नारियल चाहिए ही है। इसको अभी हम काटेंगे और मतलब फोड़ेंगे, फिर काटेंगे इसको। तो इसको काटने के बाद कुछ ऐसा आएगा। और इसको इसको अभी हम मिक्सचर में ग्राइंड करेंगे। तो गाइस ये देखिए, हमने डाल दिया, अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। हे गाइस देखिए, अभी हमारा ये हो चुका है। और इसको कुछ इस तरह से ही हम पाउडर करेंगे। ये देखिए गाइस, अच्छे से हो जाना चाहिए, ये अच्छे से ग्राइंड होगा तभी हमारी बर्फी अच्छे से बनेगी। गाइस अभी देखिए, हमने ग्राइंड करके हो चुका है। तो अभी हम एक कढ़ाई लेंगे और इसको गैस ऑन की। हे गाइस देखिए, अभी हमने जो कढ़ाई ली थी उसमें 3 कटोरी ग्राइंड किया हुआ नारियल है। हमें एक एक ट्रिप में डालना है इसे, क्योंकि हमने 2 नारियल लिए थे ना। अब इसे थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे हम, 2 मिनट तक करते रहेंगे हम इसे शैलो फ्राई, और वो भी लो फ्लेम में। तो गाइस देखिए, हमने शैलो फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें जब शुगर डालेंगे तब हम अंदाज नहीं लेंगे, हम इसमें पहले मेंशन करेंगे जो हमने 3 कप्स ऑफ नारियल लिया है, 3 कप्स मतलब कटोरी जो नारियल की, इसलिए हम उसमें शुगर लेंगे, 2½ कप शुगर लेंगे। ये देखिए गाइस, इसमें मैं ये डालूंगा और इसे पकाते रहेंगे और अच्छे से गाइस मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर जो मीठा मीठा है वो आना चाहिए, और लो फ्लेम में ही करते रहेंगे। सो गाइस देख सकते हैं आप, हमारा जब थोड़ी थोड़ी चीनी मेल्ट होने लगे तब हम इसमें 1/2 कप ऑफ दूध डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे और फिर उसके बाद चीनी भी पूरा मेल्ट हो जाएगा। देखिए गाइस ऐसा कुछ होगा, और जब शक्कर मेल्ट होगी तब दूध के साथ ही मिल जाएगा, और थोड़ा सा चाशनी टाइप होने देंगे इसे। देखिए गाइस ये देखिए, इतना थिक हो चुका है, और इसे और भी पकाते रहेंगे, थिक होने देंगे और चाशनी टाइप। देखिए गाइस ऐसा थिक हो चुका है चाशनी टाइप पर, और इसको और थिक होने देंगे। तो देखिए गाइस, जब तक ये हमारा बॉयल होता है तब तक हम एक प्लेट लेंगे, ऐसी प्लेट लेंगे हम, और इसमें हम ऐसे घी लगाएंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे गार्निश कर देंगे ग्रीसिंग। देखिए गाइस अच्छे से हमें ग्रीसिंग करनी है, जब क्योंकि हम जब निकालेंगे तब चिपकना नहीं चाहिए। और 2 प्लेट्स ऐसे कर देंगे, क्योंकि हमने 2 नारियल लिए ना गाइस। सो गाइस देखिए, हमारा ये बन चुका है। और इसमें अभी हम आपको चाहिए तो मैं तो चावड़ी और इलायची का पाउडर डाल दो, आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पर गाइस इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालना होगा तो डाल सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर हम जब इसको सेट करने जाएंगे तभी अच्छे से सेट नहीं होगा, इसलिए गाइस छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिए। अभी मैं ये चावड़ी है ये इसको इसमें डाल दूंगा। ये देखिए गाइस ऐसे डाल दूंगा मैं इसमें, और इलायची का पाउडर भी डालूंगा। देखिए गाइस इलायची का पाउडर, 5 इलायचियों का पाउडर है, इसको मैंने डाल दिया है। और इसे गाइस जब मैंने नहीं डाला था तब इसे पकाना है थोड़ा सा, और चाशनी टाइप होने देना है, और जब ये हो जाए तब ड्राई फ्रूट डालना है। और अभी हम तो गाइस देख सकते हैं, अभी हमारा पूरा हो चुका है। अभी हम इसे प्लेट में डालेंगे, जो हमने प्लेट ग्रीसिंग की थी जिसको। देखिए गाइस इतना अच्छा आया है, ये ऐसा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और गाइस फिर इसे एक पॉलिथिन लेंगे गाइस, ऐसा पॉलिथिन लेंगे और इसके अंदर हम इसे हाथ डालेंगे, और फिर ये क्योंकि गर्म रहता है इसलिए हम इसको फ्लैट करेंगे।
सो गाइस देखिए अभी हमारा ये हो चुका है, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ऐसा दिखेगा आपका कुछ। और फिर आपको इसमें रखना है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है। और गाइस ध्यान रखिए कि ये टूटे ना। और देखिए गाइस इतना स्वीट और अच्छा बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, और मेरे चैनल फन कुकिंग विद कौस्तुभ को सब्सक्राइब करें। और फिर तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी पूरी फैमिली को मेरी टीम की तरफ से हैप्पी दशहरा।